मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 17 मरीज कोरोना को हराकर घर वापस लौटे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने मध्य प्रदेश के फैसले दिल्ली में लिए जाने पर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को कभी मध्य प्रदेश से मोह ही नहीं रहा है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह की ओर से सड़कों पर गड्ढों को लेकर डाले गए फोटो को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को खुद का कार्यकाल याद आ गया है, क्योंकि उस समय सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क होती थी। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में नए गुंडा एक्ट को लेकर कहा कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जहां तक कोरोना का सवाल है, कोरोना के क्षेत्र में कल नए 18 मामले प्रदेश के अंदर आए हैं। इसमें से 4 इंदौर में, 3 दमोह में और 2 भोपाल के मामले प्रमुख हैं। 18 नए आए हैं, 17 लोग ठीक हुए हैं, 163 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं और 72,758 टेस्ट कल हमारे किए गए हैं। अब हमारे यहां पर संक्रमण दर 0.024 बची है और रिकवरी की दर वही 98.6 बनी हुई है। उनको अपनी याद दिलाई होगी दरअसल दिग्विजय सिंह, बहुत दिनों से लोग उनको असली नाम से बुला नहीं रहे थे। उनने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, भूल जाओगे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके समय में सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों की सड़क थी, पता ही नहीं चलता था कि गड्ढम गड्ढा है। वो गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे हैं, जो कहते थे कि चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, ये कमेंट्स वो कर रहे हैं।